फैमिली जो है बहुत बड़ी होती है। मतलब कुल मिलाकर के WH मेनली जो कुछ शब्द होते हैं वही आपके सभी प्रीपोजिशन के साथ यूज करके या किसी के साथ यूज करके उनका जो परिवार है बहुत बड़ा लंबा कर दिया जाता है। और मेन परिवार में अगर देखते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको मेन आपको देखना है व्हाट माने क्या, जो होता है वो अलग रूप में होता है। व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे या कैसे इसको जुड़ा हुआ चीज़, हु माने कौन कैसे, विच माने कौन सा कौन सी, ठीक है। और यहाँ पर हुज माने किसका किसकी, ये हु माने किसे, ठीक है। इतने आपको ये मेन प्रकार के ये समझने हैं, ये मेन फैमिली है, ये मेन फैमिली है। अब इन सबको जोड़ करके कितनी बड़ी इसकी फैमिली बनती है वो आपको पढ़ते पढ़ते इस वीडियो में, क्या इससे बड़ा वीडियो बन जाएगा, दो वीडियो तीन वीडियो में अगर पूरा करेंगे ना तब वो पूरा हो जाए तो समझ लो हो जा रहा है, नहीं तो पूरा तीन वीडियो में भी नहीं होगा अगर हम 20-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे तब भी। फिर भी आप मेन मेन जो हमारे WH फैमिली के हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसको बोलते हैं, अगर ये शब्द यूज हो जाते हैं तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ मैं खा रहा हूँ, कोई भी शब्द इसमें से यूज कर लो, देखो फिर प्रश्न बन जाता है, नहीं क्या मैं खा रहा हूँ, देखिए प्रश्न बन गया, मैं कैसे खा रहा हूँ, मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं किसको खा रहा हूँ, मैं कौन सी दाल खा रहा हूँ, मतलब कि अगर इन सब में से यूज किए तो समझ लो प्रश्न बन गया। कोई भी शब्द इसमें से यूज करे तो प्रश्न बन गया। तो ये आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको आठ ना, मेन आपको आठ ही पढ़ने हैं, मेन आपको आठ पढ़ने हैं, बाकी आपको आठ के सहारे से बहुत सारे बनने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए खुद आपके सामने हैं कि हाउ और हाउ के साथ यूज करके मेनी लगा दिया गया, लगा दिया गया मेनी। जैसे हाउ के साथ मेनी लगाए तो कितना कितनी कितनी हो गया, कब हाउ मेनी कब लगाएंगे, हाउ मेनी के लिए आप कितना भी यूज करिए, कितनी भी यूज करिए, कितनों भी यूज करिए, कितना कितनी कितने, ये सब कुछ भी हो इतनी मतलब, परंतु वो गिना जाए, वो गिन लो आप, बोलेगा कितनी गन है, कितनी किताबें हैं, कितनी पेन है, कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, अगर ये बोल रहे हैं ना गिनने वाली भी तो आप हाउ मेनी यूज करें। अगर वही चीज़ आप न गिनने योग वाली बोली तो आप हाउ मच लगाएं, कितना पानी है, कितना तेल है, कितना हुआ न गिन पाएं, जिसको आप गिन ना पाएं वो मात्रा में होता तो हाउ मच हो जाता है। अब देखिए हाउ को दो रूप में यहाँ पर यूज कर लिया गया, हाउ को दो रूप में यूज कर लिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप यूज करके प्रीपोजिशन से यूज करके बनाएंगे, तो आप खुद देख लीजिएगा प्रीपोजिशन से यूज करके कौन कौन शब्द बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे अंटिल व्हेन क्या है, अंटिल When, until when, until when माने कब तक होता है, क्या होता है कब तक, दिमाग लगाइए until when का मतलब कब तक। अब देखिए until तो आपका लग गया प्रीपोजिशन, when लग गया यहाँ का कब, तो देखिए कब वो until मतलब होता है किसी चीज़ के समय को बताए यहाँ तक, तो until when कब तक। अंग्रेजी में आप उल्टा ही चलिएगा तो ज़्यादा आपका सटीक बैठेगा शब्दों का हिंदी कन्वर्जन, ठीक है। तो कब तक आपका हो गया। इसी तरीके से अगर हम बोले हम आपका क्या since when, क्या सिंस वेन बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कब से, क्या कब से, क्योंकि सिंस का मतलब आप किसी समय के लिए बताते हैं, जब वहाँ से किसी समय को बताएं कि आप वहाँ से, जैसे बोला गया कि 1950 से 2032 से या आप बोला गया 1995 से मंगलवार से, कुछ ऐसे बता रहे हैं टाइम, टाइम को दिखाएं और निश्चित टाइम दिखाएं कि यहां से, तो आप सिंस लगाते हैं, इसीलिए लगा देगा कब, तो वेन के लिए हो गया से, तो कब से ये हो गया। उसके बाद आपका कब से हो गया, फिर आपका कब से के लिए और भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने सिंस वेन लगाया है इसी तरीके से आप लगा सकते हैं फ्रॉम वेन, कब से, फ्रॉम वेन भी लगा सकते हैं कब से, पता है ये कब से कब लगता है, ये लगता है फ्रॉम कब, किसी जगह से किसी चीज़ को अलगाव हो, फ्रॉम कब यूज किया जाए, ये प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन वाला हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें वैसे भी समझ में आ जाएगा, फ्रॉम का मतलब है कोई चीज़ से अलग हो रहा है, कोई चीज़ अलगाव हो रहा है ना वहाँ से, तो हो जाता है फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर कब से ऐसा कुछ अलगाव जिसमें महसूस हो। उसके बाद इसी जगह से आपका हो जाता है कब से के लिए आपका एक और, जैसे फॉर के लिए यूज हो जाता है फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब भी हो जाता है कब से, कब से, दिमाग लगाइए कि इसका भी मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कितना लंबा समय से, कितना लंबे टाइम से, तो फॉर का मतलब हो अनिश्चित समय होता है, कोई पता नहीं है कब से, तो फॉर हाउ लॉन्ग ये कब से, इसका मतलब भी कब से हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं विद होम, क्या आते हैं विद, विद होम किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, अब इसमें दिमाग लगाइए किसके साथ, इसमें देखेंगे होम, यहाँ पर होम देखेंगे किसके, किससे, किसे, किसको, मतलब इसमें तीन मीनिंग इसकी होती है। ओम की स्पेलिंग आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ओम की स्पेलिंग किसे भी होता है, किससे भी होता है और किसको भी होता है, क्या होता है किसको भी, ठीक है। अब किसको, किसकी, कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर किसे, किससे,
तो यहाँ पर देखिए वुमन किसके साथ, विद का मतलब होता है साथ, विद का मतलब क्या होता है साथ, तो विद होम किसके साथ, मतलब प्रीपोजिशन के साथ हम अगर इन डब्ल्यू एच को मिला देना तो कोई ना कोई भाव आपका बन जाएगा। तो प्रीपोजिशन के साथ यहाँ पर मिलाया जा रहा है, प्रीपोजिशन फॉर, फॉर के साथ हम कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे हम वूम को ले लें तो आप खुद बताइएगा कि इसकी मीनिंग क्या बनेगी, ये बनेगी किसके लिए, किसके लिए। अब बताइए किसके लिए, इसका मतलब हुआ फॉर, मतलब हुआ लिए, फॉर वूम किसके लिए, ये हो गया आपका फॉर वूम किसके लिए। इसके बाद अगर देखते हैं तो अबाउट क्या हो जाता है, अबाउट, अबाउट होम, अबाउट होम का मतलब हो जाता है कि अबाउट मतलब बारे में, और होम का मतलब होता है किसके, तो किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में। दिमाग लगेगा कभी बनाना हो तो आप उल्टा बनाइएगा, उल्टा हिंदी इसका उल्टा, इंग्लिश इसके उल्टा, बारे में पहले लिखिए उसके बाद किसके, उल्टा ही बनाना है सभी में, चाहे इंग्लिश बनाए चाहे हिंदी बनाए, इसी तरीके से उल्टा काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स होम, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स मतलब किसके, किसे, किसकी, कुछ भी लिखिए, किसकी, टूवर्ड्स मतलब तरफ, कोई भी तरफ हो, जब कोई बोलता है ना जैसे मैं बोलूँ कि सोहन के घर की तरफ, ओ दिल्ली की तरफ, लखनऊ की तरफ, तो आप किसी की तरफ दिखा रहे हैं तो टूवर्ड्स दिखाते हैं, ये हो जाता है टूवर्ड्स हो गया, टूवर्ड्स होम हो गया। उसके बाद बाई होम, ये भी बहुत यूज होने वाला शब्द है, बाई होम। अब बाई का मतलब आप समझते हैं बाई के लिए क्या यूज होगा, तो बाई के लिए द्वारा यूज होता है, होम मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा, ये हो गया ठीक है। तो इसके बाद आपका बहुत सारे मतलब इतने प्रीपोजिशन है ना कि आप यूज करने लगेंगे तो हर एक प्रीपोजिशन के साथ हर एक बहुत सारे डब्ल्यू एच जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोलूँ यहाँ पर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब हो गया कहाँ से, कहाँ से, एक तो कहाँ से भी हो सकता है, एक तो जहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि कहाँ जहाँ दोनों होता है, कहाँ जहाँ, वेयर का मतलब कहाँ जहाँ, से, फ्रॉम का मतलब से होता है, आपको पता है। इसी तरीके से आपका फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, किस लिए या जिस लिए, जिस लिए, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्या, मतलब क्या, किस लिए, जिसको बोलते हैं क्या लिए, क्या, किस लिए, और जो मतलब जो, मतलब जिस लिए, तो ये चीज़ हो गया फॉर व्हाट। उसके व्हाट फॉर, इसमें देखिए दोनों में अंतर क्या हो रहा है, आप दिमाग लगाइए, देखिए फॉर व्हाट है, यहाँ पर व्हाट फॉर है, तो इसमें भी आपको सेम वही चीज़ लिखना है जो इसमें लिखे थे, क्या, किस लिए या जिस लिए, फ़र्क क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको मीनिंग में देखिए फ़र्क ज़्यादा नहीं, ये हो गया फॉर व्हाट या व्हाट फॉर, तो ये हो गया ठीक। उसके बाद कभी कभी आप देखेंगे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मतलब होता है कितना सुंदर या कितनी सुंदर, कितना सुंदर, कितनी सुंदर, ये भी यूज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन रहेगा मतलब वही, इंग्लिश तो वही रहेगी, हिंदी भी आप कुछ भी बदलें। उसके बाद हो जाता है हाउ फॉर, हाउ फॉर मतलब कितना दूर, फॉर का मतलब होता है दूर, फॉर एफ ए आर है, एफ ए आर, एफ ओ आर नहीं, फॉर, एफ ओ आर हो तो फॉर आप फॉर के लिए है, लेकिन एफ ए आर मतलब दूर होता है, तो इसका मतलब हो गया कितना दूर, कितना दूर, ये हो गया। उसके बाद हाउ फॉर के बाद आपको जाइए हाउ गुड, हाउ गुड, हाउ गुड कितना अच्छा, कितना अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आइए हाउ लॉन्ग, हाउ, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, कितना लंबा, इस तरीके से कितना वाला शब्दों को हमने यूज करके बताया। कुछ और यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे देखिए कितना लंबा हो गया हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड कितना, कितना उम्रदराज, मतलब हाउ ओल्ड मतलब हुआ कितना पुराना, कितना उम्रदराज, मतलब कितना उम्र में, बड़ा उम्र में, ठीक है, बड़ा उम्र में, यानी कितना, क्या, कितना उम्र में, उम्र की जब बात हो कितना कि हाउ ओल्ड, तब हम बताते हैं बड़ा में, बड़ा के लिए, ठीक है। तो हो गया हाउ ओल्ड। हाउ सून, हाउ का यूज बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा, हाउ सून, हाउ सून को कितनी जल्दी, कितनी जल्दी, ये हो गया हाउ सून। हाउ सून के बाद आ जाता है इन व्हाट, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, किस तरह से, किस तरह से, ठीक है, एट व्हाट वे, किस से,
तो ये सारे शब्द बहुत सारे हैं। अब ये सभी प्रीपोजिशन और उस तरीके के शब्दों को यूज करके बनाए जाते हैं तो बनेंगे, बहुत सारे बनाएंगे, बहुत सारे बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर बनाए व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या, और क्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम बनाए यहाँ पर व्हाट एवर, व्हाट एवर, जो कुछ भी, जो कुछ भी। उसके बाद अगर हम बताएं व्हाट एवर हो गया तो व्हाट सो एवर, व्हाट सो एवर, देखिए दोनों फर्क, व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हाट सो एवर जो कुछ भी, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए व्हाट सो एवर के बाद आप ये व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ मतलब किस तरह का, किस तरह का। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इसमें जगह है, चलिए आ जाएगा, इसको इधर में भागता चला गया ना, ठीक है। इसलिए व्हाट टाइप ऑफ के बाद आ जाइए व्हाट देन, व्हाट देन इसका मतलब होता है क्या, या तब क्या, फिर क्या, इस तरीके की चीज़ें जब बोली जाती हैं तब, ठीक है। व्हेन एवर, व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी, बहुत सारे यूज होने वाले ये शब्द हैं आपको। व्हेन सो एवर, व्हेन सो एवर का मतलब भी वही जैसे इसमें था, ये दोनों का मतलब। उसके बाद व्हेन सो एवर के बाद आ जाइए व्हेन वेंसी, कहाँ से या जहाँ से। उसके बाद आ जाइए वेयर एज, जबकि, ठीक है। इसी तरीके से आपका है, बहुत सारे हैं, आपको कितना बताएं, वेयर एज, वेयर इन, वेयर इन, वेयर इन को होता है जिसमें, जिसमें। विच इवर, विच इवर हो जाता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। उसके बाद हो जाता है विच इवर के बाद विच सो इवर, उसको भी रहने, विच सो इवर, विच, विच टाइप, विच टाइप, किस प्रकार का, किस प्रकार का। हु इवर, जो कोई भी, ठीक। इसी तरीके इसमें दो शब्द और आ जाते हैं, एक हु इवर, हु इवर, उसके बाद हु सो इवर, दोनों का मतलब एक ही होगा, ये तो पता है, जैसे आपका सो वाला और इवर वाला दोनों एक ही तरह। अब वाई सो, वाई सो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। इस तरीके से हैं ये सारी चीज़ें, बाकी डब्ल्यू एस से जुड़ी हुई चीज़ें और भी बहुत सारी बची हुई हैं जो कि हम यूज करवाएंगे प्रोनाउन को जोड़ करके, ठीक है। व्हाट को प्रोनाउन से रिलेट करके, इसी तरीके से अलग अलग शब्दों को जोड़ करके, प्रोनाउन से जोड़ करके बताएंगे तो उसमें अलग अलग भाव निकलेंगे। तो ये सारे हैं जो प्रीपोजिशन को जोड़ करके और उनको जोड़ करके सब बनाए गए हैं, और बहुत ही अजीब प्रकार से इनका अर्थ होता है, आप एक बार समझ लीजिए ताकि आपको बोलने में, लिखने में, अर्थों को मिलाने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सेकंड चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर लेना, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं, उसे यूट्यूब टिप्स और टिप्स भी देते रहते हैं, आपको हम वहाँ पर मोटिवेट भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज जरूर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और प्लेलिस्ट चेक करेंगे ही, पता है। तो सारी प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथ्स की, इंग्लिश की सारी प्लेलिस्ट है, एकदम प्लेलिस्ट 15-20 प्लेलिस्ट है, 200 प्लेलिस्ट है, अपने मनपसंद चेक कर लीजिएगा। हजारों से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार चेक करिए, बहुत सारी वीडियोज हैं आपके लिए। ओके, जल्दी मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।